चलो आगे। हाँ सर। हाँ सर। दूसरा वंश का नाम क्या है भाई? दूसरा वंश का नाम क्या है? कण्व वंश। फाउंडर कौन होगा इसका? कुणाल वंश, कुणाल करुण ना। हाँ सर। फाउंडर कौन है सर, आप बता दीजिए। अरे बता क्या दीजिए, आखिरी का लाइन पढ़ो ना भाई। वासुदेव, वासुदेव कण्व, वासुदेव कण्व, ज्ञान इंद्री खोलो। मैं ऐसे कोई क्वेश्चन पूछता ही नहीं हूँ। मेरे क्वेश्चन बोल पूछने में, मेरे नोट लिखने में बहुत गंभीरता छिपी होती है। अगर मैंने पूछ लिया इसका मतलब मैं बता दिया, सीधी सी बात है। क्या है नाम? वासुदेव कण्व। यस, फाउंडर वासुदेव कण्व। फाउंडर वासुदेव कण्व। उसके बाद क्या? तो उसके बाद कितने रूलर हैं वो आपको जानना है। कैपिटल लिखा क्या इसका? कण्व डायनेस्टी कैपिटल लिखे हैं। इसकी भी कैपिटल वही है जो आपके शुंग वंश की कैपिटल थी विदिशा। फाउंडर हो गया वासुदेव कण्व। इस वासुदेव कण्व के साथ साथ दो तीन नाम आपको सिर्फ जानने हैं। इस कण्व वंश में ऐसी कोई बड़ी बातें नहीं है जो आपको आपके एग्जामिनेशन पॉइंट ऑफ व्यू से जानना है, एक्सेप्ट नेम ऑफ द चिंदी चोर रूलर। नाम वासुदेव कण्व, नाम भूमि, भूमि अलग अलग लिखिएगा, भूमि मित्रा, भूमि मित्रा। दूसरा था, तीसरा नारायण था, और चौथा सुश्रमण था। बस ये चार नाम लिख लीजिए, कण्व वंश का काम खत्म हो गया। कण्व वंश चार नाम सिर्फ इंपॉर्टेंट क्या है? तो सिर्फ फाउंडर का नाम ही इंपॉर्टेंट है, उसके बाद की कहानी ऐसे ही है। भूमि मित्र, नारायण, सुश्रमण इंपॉर्टेंट उतने ज्यादा नहीं है। पहले ये लिखिए, उसके बाद बताता हूं अभी मैंने क्या लिखा है। कण्व वंश कैपिटल विदिशा, फाउंडर का नाम वासुदेव कण्व, द अदर रूलर ऑफ कण्व वंश, कण्व डायनेस्टी वॉज भूमिमित्र, फॉलोड बाय नारायण, देन आफ्टर सुश्रमण। और आखिरी का साक्षक है तो फिर से इसे किसी ने किसी तो मारा होगा। तो मारा किसने? तो मारा है सिमुक्त ने। तो लिखें सुश्रमण में, लिखें द लास्ट रूलर, द लास्ट रूलर ऑफ कण्व डायनेस्टी किल्ड बाय फाउंडर ऑफ कौन सा डायनेस्टी? सातवाहन। फाउंडर ऑफ सातवाहन डायनेस्टी। नाम क्या है? नाम आपके बोर्ड पर लिखा हुआ है सिमुक। सुश्रमण में लिखिए द लास्ट रूलर ऑफ कण्व डायनेस्टी किल्ड बाय द फाउंडर ऑफ सातवाहन डायनेस्टी सिमुक, SIMUKH। चार नाम सुंग में, चार नाम कण्व ने, काम खत्म।